चल नाते से मत, थोड़ी देर तक आते हैं ठीक है? चलते हैं ठीक है। अच्छा फकर, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आखिर तुमने बताया नहीं है बड़ी अम्मी को। जहन से निकल गया। ये क्या हो रहा है भाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अम्मा वो मैं और एनी जरा सोच रहे थे आज खाना बाहर खा लें, इसलिए जा रहे थे डिनर के लिए। खाना तो भी लगने लगा है और किसी को बताया भी नहीं, खुद ही प्लान बना लिया। घर में किसी को इस काबिल भी नहीं समझा कि बंदा बता ही देता है जाने से पहले। ये क्या तरीका है, कुछ असूल होते हैं ना घर के, को ख्याल ही नहीं है। भाभी जाने दे ना, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दे। आप ही तो कहती थी कि जहीर भाई आपको कभी कहीं नहीं लेके जाते। बच्चे अपने अरमान पूरे कर ले, जाओ बच्चों। अल्लाह हाफिज़ बड़ी अम्मी। अल्लाह हाफिज़ मम्मा। मैं उन्हें रोक नहीं रही थी, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर घर के कोई असूल होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं। घर के रहने वाले हर शख्स को उनकी पाबंदी करनी होती है, और घर का एक असूल ये भी है कि अगर कोई एक बड़ा बच्चों को समझा रहा हो या उनसे बात कर रहा हो तो दूसरे को बीच में बोलकर उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। आइंदा जरा ख्याल रखिएगा।